मुलामुठा नदी के प्रदूषण उपशमन परियोजना का शिलान्यास। भारत सरकार की प्राथमिकता सूची में जल संवर्धन ये उच्च प्राथमिकता पर रखा गया है और इसी प्राथमिकता के फलस्वरूप स्थापित की गई है NRCP यानी राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना। इस योजना का मुख्य हेतु है मुलामुठा नदी के जल और उसकी जैविक संपदा का संरक्षण करना तथा जल शुद्धिकरण के लिए आवश्यक सीवेज एकत्रीकरण प्रणाली को सीवेज प्रक्रिया प्रकल्प से जोड़ना। कि सीवेज प्रक्रिया प्रकल्प की वर्तमान क्षमता 567.6 लाख लीटर प्रतिदिन की है। फैलता भौगोलिक विस्तार एवं बढ़ती लोकसंख्या के चलते सीवेज उत्पादन में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है, जिसके लिए मुलामुठा के न्यूनीकरण क्षेत्र में 396.6 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के 11 सीवेज प्रकल्प एवं 55 किलोमीटर लंबी सीवेज वाहक पाइपलाइन प्रस्तावित की गई है। इस परियोजना के लिए भारत सरकार ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका से 19,064.6 लाख जापानी येन का ऋण प्राप्त किया है, जिसमें से NRCP के अंतर्गत इस परियोजना को 990.26 करोड़ की लागत आने वाली है। हमारे देश के परम वंदनीय एवं दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के शुभ हाथों से मुलामुठा नदी के प्रदूषण उपशमन परियोजना के पथदर्शक प्रकल्प का शिलान्यास किया जा रहा है। मुलामुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प का शिलान्यास। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है नदी किनारे बसा रहवासी क्षेत्र बाढ़ से सुरक्षित रखना, नदी में आने वाले प्रदूषित पानी को बंद नलिकाओं में सीवेज प्रक्रिया प्रकल्प तक पहुंचाना, नदी के तटवर्ती क्षेत्र पर होता अतिक्रमण रोकना, नदी में जल स्तर को बनाए रखना, नदी की ओर जाने वाले घाट और रास्तों को सुधारना और नदी के पास स्थित ऐतिहासिक इमारतों और उद्यानों को नदी के साथ जोड़ना, समूचे 44 किलोमीटर लंबे नदी पात्र के विकास के लिए 4,727 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। इसमें से संगम पुल से मुंडवा पुल तक के 9 किलोमीटर लंबे नदी पात्र को प्रस्तुत विकास प्रकल्प में समाविष्ट किया गया है। इस 9 किलोमीटर लंबे नदी पात्र के लिए 869 करोड़ रुपए अनुमानित खर्च होगा। इस परियोजना में नदी से संलग्न और भी प्रस्तावित कार्यों का समावेश है, जैसे साइकिल ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, नौका विहार इत्यादि। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के करकमलों द्वारा मुलामुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प का शिलान्यास हो रहा है। श्री आर के लक्ष्मण कला संग्रहालय का उद्घाटन समारोह। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और रमन मैगसेसे जैसे पुरस्कारों से सम्मानित विश्व विख्यात व्यंग चित्रकार श्री आर के लक्ष्मण जी की स्मृति को समर्पित कला गलियारे का निर्माण पुणे महानगर पालिका द्वारा बालेवाड़ी पुणे में किया गया है। लगभग 30,000 व्यंग चित्रों की संपदा के धनी श्री आर के लक्ष्मण जी अपने तीखे व्यंग चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक मालगुडी डेज ने श्री लक्ष्मण को घर घर में पहुंचा दिया। इस धारावाहिक पर आधारित एक ऑडियो विजुअल मॉडल भी इस गलियारे में दिखाया जाएगा। आर के लक्ष्मण म्यूजियम इज अ विजन ऑफ आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। माय फैमिली एंड आई आर इंडीड ग्रेटफुल टू हैव बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू शोकेस द जर्नी ऑफ लक्ष्मण इन दिस म्यूजियम। भारत के द्रष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा महान व्यंग चित्रकार श्री आर के लक्ष्मण कला संग्रहालय उद्घाटन के शुभ संयोग के हम सब साक्षी हैं।